हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने तिवारीपुर थाने पर पुलिस चौपाल लगाया और लोगों की फरियाद को सुनते हुए उसके निस्तारण के निर्देश दिए। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनपद में 18 थानों पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है तथा जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारी थानों पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुने हैं। उन्होंने बताया कि तिवारीपुर थाने पर लगाए गए चौपाल में 8 मामले सामने आए जिसके लिए संबंधित अधिकारी को मौके पर जाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामले चुनाव संबंधित भी आए हैं, उन सभी मामलों को संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सर वो जमीन लोग बोल देंगे तो आप क्या करें, क्या बोलेंगे? करा रहे, कार्रवाई करा रहे। अच्छा अच्छा, देखिए अभी 7-8 मामले हमारे पास आ गए हैं। एक दो मामलों में हमने सब इंस्पेक्टर्स को घटनास्थल पर भेजा है और हम स्वयं भी जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे वहाँ पे क्या कार्रवाई की गई है। वादी संवाद भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी 363-66 के मामले हैं या चुनाव संबंधी मामले 4-5 साल में हुए उनकी समीक्षा की जा रही है और निरोधात्मक जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है। ईडी सर स्वयं यहाँ पे तिवारीपुर थाने पे आए थे, उन्होंने जो निर्देश दिए उनका भी पालन किया जा रहा है। जैसे सी प्लान ऐप को अपडेट किया जा रहा है, बीट पुलिस अधिकारी को उसमें जोड़ा जा रहा है। हर बीट पुलिस अधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि वो अपने बीट के 250 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसमें जोड़े। इसी तरह इन सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त बैरियर चेकिंग ऐप और स्विफ्ट ऐप जो एविडेंस कलेक्शन के लिए गोरखपुर पुलिस द्वारा बनाया गया है, इन दोनों को भी डाउनलोड कराया जा रहा है। लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है कि इसका प्रयोग कैसे करना है।